अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज फरहान परवेज, दिस इज आपका भाई राहिल शहजाद। आज इंट्रोडक्शन जो है इंट्रो राहिल भाई शुरू करेंगे। बहुत टाइम हो गया इनको, सालों महीनों गुजर गए, मेरा काम ही नहीं है, जिसका काम है वो खुद ही करता है। यार आज हम एक और वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का नाम है, टाइटल है आइकिया नवी मुंबई बिगेस्ट स्टोर। ये इंडिया का बिगेस्ट स्टोर है आइकिया का। तो चलिए अब हम इस पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर वी डू सो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक और टाइटल आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आए तो, रिएक्शन पसंद आए तो। हमारी वही ना, रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो। हाँ, ये वही ना बात सही है। चलिए यार इसको हम देखें ज़रा, रिएक्ट करते हैं इस पे, फिर हम एंड में अपने रिव्यूज देंगे। नवी मुंबई पे हमने फिर भी काफी कम रिएक्ट किया। ये क्या है, ये आइकिया, आइकिया स्टोर है ना ये, एक अब देखो वीडियो में बताएंगे। Hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. Today is the 6th of Jan and I'm finally going to the IKEA Navi Mumbai store. ये तो अपना डॉलमेन मॉल वगैरह नहीं है। अच्छा, ये सब जो आप देख रहे हो इज द वेटिंग एरिया, जो पहले दिन पे बहुत क्राउडेड था, फर्स्ट वीक में बहुत ज्यादा क्राउडेड था। आई एम लकी दैट वी केम दिस लेट, हम लोग को बिल्कुल भी ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आई कांट बिलीव इट कि मैं फाइनली आइकिया के स्टोर में आ गई हूं। क्या कैमरा अलाउड हो गया? फोटो कैमरा अलाउड नहीं है, ये कैमरा अलाउड है। बड़ा फेमस हूं, आई एम सो हैप्पी। ओह शान, यू विल बी द फर्स्ट यूट्यूबर टू शूट फ्रॉम द प्रॉपर कैमरा। लकी हो गया मेरा कैमरा अलाउड है। मेरा अलाउड नहीं है, मेरा बस ये अलाउड है, मैं इसका कैमरामैन आज। कैफेटेरिया पर यहाँ पे पहले आ गया है एंड हम तीनों भुक्कड़ है, वी आर क्रेविंग कॉफी एंड सम फूड, सो वही लेंगे। बाकी सब काम बाद, पहले कॉफी पियो, कैलोरी डालो, बाद में शॉपिंग करो। ऐसा लग रहा था कि यहाँ का कैफेटेरिया बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द आइकियाज आई हैव बीन टू। यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डू इट योरसेल्फ, सर्व योरसेल्फ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो ट्रॉली उसे पूरा खाना लोड करने का और एंड में चेकआउट करने का। तो दिस इज हाउ द ट्रॉली लुक्स, लेट्स टेक द प्लेट एंड पुट इट हियर। ये ये बहुत एम्बैरेसिंग है, क्या है यार, मैंने बोला था एक ही लेते हैं। ट्रॉली छोड़ दे, ऐसे लेके जाएगी, भाग लेगा ट्रॉली पर। आफ्टर योर डन ईटिंग आपको सारा एम्प्टी प्लेस और सब कुछ वहां पे डालना है। बाय, बी नाइस। खाना खाके हो गया, लेट द शॉपिंग बिगिन। These three people were thrown out for damaging property. China did a smart thing. हम लोगों ने ट्रॉली थमा दिया। एक काफी नहीं लेकिन इसमें डाल देंगे। हाँ। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इसका फर्नीचर वगैरह का है? क्योंकि ये ही मोस्टली नजर आ रहा है। I really like this cupboard. बेटा ये I really like this one. It's so comfy. I don't like the color. The color is bad, yeah, but I like. सुना अलाउड है इधर? हां अलाउड है, कंफी राइट, नाइस। आई कैन एडिट, आई कैन व्लॉग। ये एडिटिंग रूम में रखने की कोशिश, एडिटिंग रूम में भाई। हाँ। एडिटिंग कम होएगी, सोएंगे ज्यादा इधर। ये वाले सेक्शन पे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज़ मुझे यहां से एक स्पेसिफिक सोफा चाहिए। सो लेट्स, व्हेन यू वांट टू टेक अ ब्रेक जस्ट रेस्ट। यू नो व्हाट चैलेंज, आई लाइक, आई रियली लाइक दिस वन। अभी तक मेरा सिर्फ 20% हुआ है देखकर, एंड देयर सो मच टू सी एंड एक्सप्लोर ओवर हियर, आई एम गोइंग क्रेजी इन माय हेड। कुछ पसंद आया? बहुत सारी चीजें पसंद आई है, सबका फोटो लेके रखा है। Planning to make this for your editing room? It's so pretty, right? But बच्चे लोग हैं शायद। तो हम एक bunk bed लेने की सोच रहे हैं for the editing room, just in case. तो निखिल इसको try out कर रहा है। Is it comfy? Very much. Oh my God, कितना space है इसमें यार, लगता नहीं है।
वाओ मेरे जिंदगी का सपना पूरा हो जाएगा यार। आई थिंक इट्स गुड। घूम के जरा। प्राइस भी अच्छा है। एंड हाफ आवर्स हो गए, इतनी भूख लगी है, इतनी प्यास लगी है, तो अभी फाइनली हम अच्छे से खाना खाएंगे। दूसरी बार पहली बार से चाय कॉफी पिया था। और फाइनली ईटिंग फूड, रियली रियली सो हंग्री। सब कुछ खाएंगे तो नहीं, एक मेरा है, बाकी दो दूसरे लोग का है। अब वी हैव कम टू द नीचे वाला फ्लोर विच इज़ द मार्केट हॉल एरिया, और इसमें सारा मेन माल मसाला है शॉप करने का, लाइक का लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ। ऊपर फर्नीचर है, बुक करना है। ये ट्रॉली भरेगी और शायद दूसरी भी भर सकती है। वो ट्रॉली एम्प्टी है, आफ्टर इट्स फुल। ऐसा हो रहा। बहुत सारी चीजें जैसे कि मैंने बोला दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इतनी सारी चीजें दिख रही, तो जो जो अच्छा लग रहा है सब ले रही हूँ। और वैसे भी मेरा सारा लिस्ट है ऑफ थिंग्स आई नीडेड टू बाय, सो सब ढूंढ ढूंढ के ले रही हूँ। कभी भी आप शॉप करते हो ऑलवेज लुक फॉर द येलो एंड ऑरेंज टैग, उसका मतलब दिस इज अ स्पेशल प्राइस फॉर टुडे। जैसे कि ये जो फ्लास्क है इट्स नॉर्मली फॉर 866, पर हमको मिला 266 के लिए, एंड दिस इज फॉर लाइक 129 रुपीस फॉर टुडे। जैसे कि ये देखो, ये जो है इट्स फॉर 1190, अभी 699 रुपीस। तो एवरीवेयर इन द स्टोर दिस इज बेड शीट विथ पिलो केस, फुल सेट, लॉट्स ऑफ सेविंग। मैं तो हर जगह पे ये साइन देके शॉप कर रही हूँ। फाइनली हम आ गए तो द लास्ट पार्ट ऑफ द आईकिया स्टोर, दिस इज द सेल्फ पिकअप एरिया। मतलब जो भी जिस भी चीज़ों पे रेड टैग था ना सेल्फ पिकअप, वो सब यहाँ मिलेगा। तो भर गया मैडम तुम्हारा, भर गया, भर गया, ये तो इससे ही भर गया। और फर्नीचर जो ऑर्डर किया वो डिलीवर होगा 2 दिन में। और हमने एक हिंदुस्तानी वाली हरकत की है, जो मिरर दिख रहा है तुम्हें, रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है ना, तो एक मिरर का थैली फाड़ा, अभी मिरर क्लियरली दिखा, फिर दूसरा वाला उड़ाया मैडम। आईकिया वालों से सॉरी। तो फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर माइन, पी भाई के थोड़े सामान है, और अच्छा खासा मेरा पैसा यहाँ पे खर्च हो गया है। एंड अगली बार जब शॉप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, बट व्हाटएवर, आई एम वेरी हैप्पी कमिंग टू आईकिया। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल गई है, नाउ द क्राउड इज़ क्वाइट बैलेंस्ड, सो आई विल से कि आप अपना स्लॉट लेके आ सकते हो शॉप करने के लिए, और हमारा तो यहाँ पे आते हैं। ऑलरेडी मुझे लगता है 10% सब्सक्राइबर ही थे। आई कैन नॉट वेट टू गो एंड डेकोर अ न्यू होम विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो टाइम है उसको। एंड हमारा एक बंक बेड हमने ऑर्डर किया, वो आना चाहिए। अरे वो तो बहुत प्यारा है। हमारा सब कुछ हो गया। आईकिया का फर्स्ट विजिट वाज ऑसम। आई रियली रेकमेंड एवरी पर्सन फ्रॉम मुंबई कि आप यहाँ पे आओ, जरूर विजिट करना एक बार। 7 बजे का हम लोग को पलावा पहले बंद होता है, पर अभी 5 तारीख के बाद से इट्स ओपन टिल 9 o'clock, सो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो, भूख लगी तो खाना भी खा सकते हो अंदर। एंड इन टोटल द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। चैनल भी देख सकते हो अंदर। हमको बहुत मजा आया with the shopping. How did you enjoy? I really liked it and I'm going to come once again with peace of mind and measuring my house, everything in there. Maybe apna ghar measure karke aao taki aapko pata chale ki saman fit hoga ki nahi fit hoga. Aise joote pehen ke aana, won't be stupid. Aise joote pehen ke aana, aise joote mat pehen ke aana. Please wear kids and comfortable shoes, you have to do a lot of walking inside. Channel is walk like 3-4 kilometers, 5 kilometers inside. Maine 5 kilometers chali hu, around 8900 steps, so you can imagine. So wear comfortable shoes, मेजर योर हाउस, सारी चीज़ें जो है उनका फोटो लो, जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उसका एक टैग होता है, उसका फोटो लेना, दैट मेक्स इट ईजियर टू शॉप। एंड ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा। We love this. क्या फरमाएंगे सर आप? अच्छा लगा, लेकिन यार किसी फर्नीचर का एक स्टोर हो, वो भी इतना बड़ा, ये तो मैं हैरान हूं यार, इतना बड़ा स्टोर। वो पार्किंग तो देखो कहाँ से शुरू हो रही है, सिर्फ फर्नीचर का नहीं होगा फरानी, और तो क्यों नहीं दिखाई और चीज़ें इसमें से, इसने सिर्फ फर्नीचर करना होगा वो। ये आईकिया स्टोर का ब्लॉग बनाने गई थी आईकिया स्टोर के नेट पे, आईकिया क्या क्या प्रोवाइड करता है आईकिया, पर लॉजिकली देखो आईकिया जो है ना, वो जब ये पूरा ब्लॉग बनाने गई है आईकिया के सुपर स्टोर को, एंड शी वो कह रहा था निखिल के शी इज गोना बी द फर्स्ट ब्लॉगर, तो इट मीन्स वो एक सेक्शन थोड़ी ब्लॉग करेगी, वो तो पूरा आईकिया 5 किलोमीटर चलिए ये
पांच किलोमीटर तक क्या यही दिख रहा था उसको? ऐसा नहीं होगा, ये इसी का ही होगा, ये किचन का और ये ग्रोसरी का और ये डेकोरेशन का और वो डबल बेड और ये फर्नीचर, ये इसी का होगा। ये आप लोग बताइएगा कमेंट्स के अंदर, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो वॉचर हैं हमारे, वो हमें बताइएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल्स होती हैं और इसका क्या मेयार है, मतलब ये वहाँ पे क्या पॉपुलर है, क्योंकि वी डोंट नो। यहाँ पे पाकिस्तान में तो इंटरवुड है वो उसका काफी अच्छे माना जाता है कि उसका फर्नीचर बड़ा जबरदस्त हैबिट है और भी ब्रांड्स हैं। अब ये आइकिया, ये इसका जरा हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसकी क्या स्टैंडिंग है मार्केट में, अच्छी होगी। अभी दिखा रहे हैं कितना बड़ा है, कोई छोटा ब्रांड इतना बड़ा स्टोर थोड़ी बनाया गया। मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, ये नंबर ऑफ वैरायटी बहुत तीन के पास। ऊपर से यार लड़की ने व्लॉग बहुत अच्छा बनाया, बहुत जॉली थी, कॉमेडी थी। ये बंदा तो है ही अच्छा, मुंबई के निखिल को मैंने देखी है इसकी वीडियो, मैं बोल रहा हूँ यार ये देखा देखा लग रहा है ये। अच्छा। एक दो वीडियोस मैंने इसकी देखी नहीं, बहुत जबरदस्त व्लॉगर है ये, इंडिया का मशहूर। मैंने नहीं देखा था यार इसको, मैं तो देखना, तुम इसको सर्च करके देखना। अच्छा, हैरा तो तुमने नहीं देखी अभी तक, मुंबई का ही होगा। सही है, चलो गाइज, वीडियो हमको बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगी। जो भी हमारे सवाल आते हैं उनका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, तो मोबाइल उठाएं और ठकाटक मैसेज ठोको, लाइक ठोको, कमेंट ठोको, सब्सक्राइब। नीचे जो वीडियोस आ रही है हमारी प्रीवियस वीडियोज़, इनको ज़रूर देखिएगा, इसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन वीडियोज़ पर आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, हमें फेसबुक पेज पर उसका लिंक और टाइटल प्रोवाइड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।